मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई पनीर चिल्ली। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन को मैं घिस ली हूँ। एक चम्मच अदरक है और एक चम्मच लहसुन है। और मैं यहाँ पे ली हूँ 200 ग्राम पनीर, एक कांदा और एक शिमला मिर्ची और 4 से 5 हरी मिर्ची। और यहाँ पे मैं ली हूँ हरा कांदा। और मैं यहाँ पे ली हूँ 2 चम्मच मैदा। और इसमें डालूंगी नमक 1/2 चम्मच, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी पनीर। पनीर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और आप देख सकते हैं कि पनीर मैं यहाँ पे क्यूब में काटी हुई हूँ। अगर आप चाहें तो इसे लंबे में भी कट कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अभी चलते हैं गैस की तरफ। अभी यहाँ पे मैं पैन को गर्म कर ली हूँ। अभी इसमें डालूंगी मैं तेल तलने के लिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाए फिर इसके बाद डालें पनीर। एक एक करके पनीर को डाल दें तेल में। पनीर को मीडियम आंच पे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जब भी एक साइड गोल्डन हो जाए फिर इसके बाद इसे पलट लेना है। एक एक करके आराम से इसे पलट लें। इसी तरह से चारों तरफ से गोल्डन होने तक इसे सेक लेना है, इसे फ्राई कर लेना है। अगर आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है तो आप इसे तेज भी कर सकते हैं, फ्लेम को तेज फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि पनीर जले नहीं। पनीर अभी फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए पनीर का भी चिल्ली बना सकते हैं, पनीर चिल्ली। पर फ्राई किए हुए पनीर का ज़्यादा टेस्ट आता है पनीर चिल्ली में। मैं सभी को फ्राई कर चुकी हूँ। अभी मैं तेल पूरा निकाल लेती हूँ और इसमें 1 चम्मच तेल में छोड़ देती हूँ। अभी इसमें डालूंगी मिर्ची, कांदा और शिमला मिर्ची। बस इसे हल्का सा से भून लेना है, गैस को मीडियम पे रख करके। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं करना है, इसमें क्रिस्पीपन रहने देना है। कुछ टाइम के लिए इसे भून लेना है, 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसमें डाल देना अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अभी अदरक और लहसुन को डाल करके भून लेना है, गैस को स्लो पे रख करके। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें डाल देना है 1 चम्मच शहद, यानी अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच, या फिर टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। पनीर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच सेजवान चटनी। सेजवान चटनी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी इसके ऊपर डालें हरा कांदा। हरा कांदा डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गैस को कर दें बंद। पनीर चिल्ली बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।